हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। हम करने जा रहे हैं सीटेट के पेपर टू का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एनालिसिस करने। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल दे रखा है, पियाजे के अकॉर्डिंग चार क्वांटिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, गुणात्मक रूप से चार विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। तो ये अवस्थाएं जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं यूनिवर्सल पैटर्न को जो डेवलपमेंट के आधार पर बच्चों में होती है। अब कई सारी जगह पे जेनेटिक कोड भी आंसर आपको मिलेगा, तो देखो यहाँ पे जेनेटिक कोड को भी कंसीडर किया जा सकता है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि जो चार स्टेजेस हैं उनमें हर एक स्टेज में दिमाग अलग तरीके से काम कर रहा है। पर यूनिवर्सैलिटी को इसलिए कंसीडर कर रही हूं मैं यहाँ पे, बिकॉज पूरे थियोरी में यूनिवर्सैलिटी के बारे में ही बात की गई है, उन्होंने कहीं कल्चर सोसाइटी के बारे में तो बताया नहीं, तो यूनिवर्सल हो गया कि हर जगह ऐसा ही रहने वाला है। तो अगर ऑप्शन कुछ ऑफिशियल ऑप्शंस और आंसर आएंगे तो उसमें आपको वन या टू में से ही कोई एक देखने के लिए मिलेगा, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है मेरी तरफ से। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो वाइगोट्स्की को क्या भरोसा था कि जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू होता है। नेक्स्ट है कि पियाजे के थियोरी का एक लिमिटेशन हमें इसमें से खोजना है, तो इट डज नॉट अकाउंट फॉर बायोलॉजिकल और रेफरेंसेस उन्होंने नहीं लिए, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, उन्होंने लिया था। फिर इट डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, इन्होंने सोसाइटी और कल्चर को कंसिडर नहीं किया। एग्जैक्टली इन्होंने सोसाइटी और कल्चर को कंसिडर नहीं किया था। एजर्शन रीजन का सवाल है चौथा नंबर, जिसमें लिखा हुआ है कि एवरी ईयर लता अ क्लास सेवेंथ टीचर इन्वाइट्स फीमेल मैथ प्रोफेसर मेल नर्स इन हर क्लास टू डिस्कस करियर इन दीज फील्ड। रीजन क्या दे रखा है कि जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट अक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। इन्होंने बताया है, रीजन बोल रखा है कि जेंडर डिफरेंसेस जो होते हैं वो इनेट होते हैं, मतलब पैदाइशी जन्मजात रूप से ये अंतर होता है, समाज के माध्यम से ये अधिग्रहित नहीं होता है। ध्यान देना, जेंडर एक सोसाइटल टर्म है, जेंडर एक सोशल नोशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रीजन जो है वो गलत हो गया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो आर ऑप्शन वुड बी कि रीजन तो सही है परंतु जो माफ करना एजर्शन तो सही है पर रीजन गलत है। अगले सवाल पे बढ़े तो थोड़ा सा ब्लर है, ध्यान से देख लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन। क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग, इनमें से कौन सा एक्ट करने, मतलब कौन सी चीज सिखा सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए, तो ये कौन से सेक्शन में चला जाएगा, ये हॉट्स वाले सेक्शन में चला जाएगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में। तो जब आप ऑप्शन को पढ़ोगे तो विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड व्हाई, ये सही आंसर हो सकता है, जहां पे बच्चा सोचेगा कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। बाकी हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, हाउ मेनी कैपिटल्स आर देयर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री, वेयर डज वाटर कम फ्रॉम, तो ये क्या है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये लॉट्स हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। और हॉट्स क्या होते हैं, हाईअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसमें क्रिटिकल एनालिसिस हम या क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्लूड करते हैं। अगला सवाल है कि इंक्लूसिव एडुकेशन का इंटेल क्या है, शामिल किस चीज में, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, क्या शामिल किया जा रहा है समावेशी शिक्षा में। तो देखो एक सेग्रीगेशन दे रखा है, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। स्टैंडर्डाइज करिकुलम, ये गलत हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। जहाँ पे फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है हमारे पूरे करिकुलम को, जहाँ पे कि सारे स्टूडेंट सारे प्रकार के आ करके पढ़ सके। अब है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का एविडेंस क्या होगा। अब बार बार थिंकिंग से रिलेटेड सवाल आ रहा है कि जो समालोचनात्मक चिंतन है वो कैसा हो सकता है, तो अगर आप देखोगे तो एविडेंस इज इररिलेवेंट, गलत हो गया। इट शुड बी इग्नोर्ड, हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्टेड विदाउट एनालिसिस, एक्सेप्ट करना चाहिए लेकिन विदाउट एनालिसिस नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, अपने आप चौथा नंबर हो गया, जहाँ पे कि बोल रहे हैं कि इवेलुएट कर रहे हैं हम लॉजिकल सिस्टमेटिक वे से। अगला सवाल एजर्शन रीजन का फिर है कि लेव वाइगोट्स्की और पियाजे, ये तो एकदम बहुत ही फिक्स है कि लेव वाइगोट्स्की और पियाजे के डिफरेंस से सवाल आता ही आता है। पढ़ते हैं कि जो एजर्शन है, लेव वाइगोट्स्की और पियाजे है डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चाइल्ड। तो सही बात है, ये चीज तो उन्होंने बता रखी है, दोनों ने अलग अलग तरीके से बता रखा है। इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट डिराइव इन्फॉर्मेशन फॉर देमसेल्फ। अब यहाँ देखो दोनों का रिलेशन क्या बिल्ड हो रहा है। लेव वाइगोट्स्की ने लैंग्वेज को बताया और इन्होंने क्या बताया है कि दूसरा जो रीजन है वो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है एजर्शन को। दोनों स्टेटमेंट सही जरूर है,
पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट इज वाई थ्री इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अगला सवाल एजर्शन रीजन का फिर से आ गया है, तो जिसमें कि ये बोला जा रहा है कि ये जो एजर्शन है, कंसिडरेबल वेरिएशन एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट्स ऑफ चिल्ड्रन। सही बात है, होता है, और डेवलपमेंटल डिफरेंसेज आर इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन जेनेटिक और एक्सपीरियंशियल वेरिएशन। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो एजर्शन और रीजन है दोनों सही है और रीजन करेक्ट है एक्सप्लेनेशन एजर्शन का। अगला सवाल सिबलिंग रिलेशनशिप, भाई बहन के रिश्ते के बारे में बता रखा है, पूछ रखा है कि इम्पॉर्टेंट रोल इन अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डू नॉट हैव एनी रोल इन सोशलाइजेशन विच इज रॉन्ग, कि जरूरी नहीं है, आर सिमिलर रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड पीयर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन थ्रू चाइल्डहुड, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर कि वो चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स, ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला सवाल है कि विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इलस्ट्रेटेड इन फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट में कौन से प्रिंसिपल को बताया जा रहा है। तो चिल्ड्रन जो डिप्राइव्ड हैं कंडूसिव एनवायरनमेंट के लर्निंग लैंग्वेज, फॉर लर्निंग लैंग्वेज इन देयर अर्ली एज, हैव सम डिफिकल्टी इन पिकिंग लैंग्वेज इन लेटर लाइफ। जो बच्चे शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उनको बाद के जीवन में भी बहुत कठिनाई होती है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि क्या बात हो रही है, चिल्ड्रन के क्या अर्ली एज के बारे में बात हो रही है। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो सेंसिटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट का बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है चाइल्डहुड, जहाँ पे कि बच्चा अच्छे से सीख पाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो एजर्शन दे रखा है कि टीचर शुड आस्क स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई ओन एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग कॉन्सेप्ट। सही बात है, उदाहरण और गैर उदाहरण को पहचान करने के लिए कहना चाहिए, जिससे कि बच्चों में समझ का विकास हो। अब उदाहरण के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थी को भ्रमित करते हैं। अब यहाँ पे देखना कि नॉन एग्जाम्पल्स को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो क्या वो कंफ्यूजन के लिए यूज हो रहा है, ये कंफ्यूजन के लिए नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। और पहली चीज, एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स दोनों का इस्तेमाल जरूरी है, ठीक है। और टीचर ने यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या देख रहा है, टीचर शुड आस्क स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सेप्ट। अपने खुद के एग्जाम्पल्स पे ध्यान देने की जरूरत है कि वो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं। टीचर एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल देता है, स्टूडेंट एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल नहीं देता, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला सवाल है कि जनरल प्रिंसिपल लर्निंग सजेस्ट करता है कि स्टूडेंट लर्न बेटर इफ टीचर, टीचर क्या करता है। तो देखो यहाँ टीचिंग मेथडोलॉजी से ये सवाल है 13 नंबर, कि टीचर क्या करे, सिंबॉलिक फॉर्म में कॉन्सेप्ट को बताए और फिर फिजिकल फॉर्म में बढ़े। सिंबॉलिक फॉर्म माने क्या हो गया यहाँ पे, कि वो एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट के तरफ बढ़े, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। नॉट नोन से नोन की तरफ बढ़े, तो ये भी गलत हो गया। इन टर्म्स ऑफ लॉजिक पहले इस्तेमाल करे, बाद में उनको रीजंस वेरीफाई करने के लिए दे, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचा, फर्स्ट वाला, कि पहले अवधारणा को संपूर्ण रूप से उसका परिचय दे, कॉन्सेप्ट का पहले इंट्रोडक्शन दे और फिर उसके बाद उसकी बारीकियों पर आए, माने जनरल से स्पेसिफिक। अगला सवाल है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट की, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को अधिसंज्ञानात्मक मेटाकॉग्निटिव स्किल सिखाना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा बेटर और बेस्ट टेक्निक होगा। तो जैसे ही मेमोराइज और रिपीट आ गया तो ये अपने आप गलत हो गया, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट ग्रेड्स एंड फीडबैक। फ्रीक्वेंट ग्रेड से तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को हमें डेवलप करना है। तो 2 और 3 में से ही एक ऑप्शन होगा, पढ़ते हैं दोनों को तो आपको समझ में आएगा। जो करेक्ट ऑप्शन है इसका, दैट वुड बी 3rd, इनकरेज करना स्टूडेंट को ताकि वो अपनी थिंकिंग के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करें और सोचें कि उन्होंने क्या क्या किया है। अगला सवाल है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन, करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशन आर सेम इन व्हाट एंड व्हाइल डैश इन दे आर डिफरेंट। कब क्या होना चाहिए, तो जब आप आराम से वर्ड्स को सेट बिठाओगे तो आपको समझ में आएगा कि करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशन इनरिच होना चाहिए इनरिचमेंट में, और एक्सेलरेटेड होना चाहिए वो अलग से, और व्हाइल एक्सेलरेटेड इन व्हेन दे आर डिफरेंट, यानी स्टूडेंट जब डिफरेंट है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, और इंक्लूजन जब हम कर रहे हैं तो इनरिचमेंट होना चाहिए, क्लास में लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इनरिच करना चाहिए अलग अलग एग्जाम्पल्स दे करके। अगले सवाल पे बढ़े तो ये है, करेक्टली मेंशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट हु आर गिफ्टेड, टिपिकली गिफ्टेड हैं वो, तो क्या हो सकता है, ठीक है।
तो गिफ्टेड अगर होंगे तो उनमें क्या क्या चीजें बनेंगी, तो वो बनेगा एडवांस और अंडरस्टैंडिंग होगा, बिल्कुल हो सकता है फास्ट पेस ऑफ लर्निंग होगा, दोनों बातें हो सकती हैं, हायर डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा दूसरों की जरूरत होगी उनको नहीं होती है, रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिकल डेवलपमेंट रैपिड होता है, नॉर्मल रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया सेकेंड नंबर करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए सही कौन सा है, तो आराम से देखो सारे ऑप्शंस को, जब आप पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड कि फोर्थ नंबर सही ऑप्शन होगा, कि हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है चाइल्ड को अफेक्ट करता है, वो अपने आसपास बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाता है, क्योंकि बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है तो बात कैसे ही करेगा, है ना। तो ये सही आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरिस्ट, जिनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरिस्ट के लिए, एक संरचनावादी सिद्धांतकार के लिए कौन सा सही नहीं होगा। ऑप्शंस में देखें तो नॉलेज सब्जेक्टिव है, बिल्कुल सही बात है कि नॉलेज सब्जेक्टिव होता है, अब इसको सही आंसर मत मान लेना। फिर लर्नर है, वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। प्लूरलिस्टिक नॉलेज होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए, उसमें बहुत सारे लेयर्स होने चाहिए, ये भी सही है। लेकिन यहाँ देखो पहला क्या दे रहा है कि चिल्ड्रन को खुद ही इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होना होगा ताकि इफेक्टिव लर्निंग हो सके। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में पहले ही माना जाता है कि बच्चे ऑलरेडी अपना काम खुद ही से कर रहे होते हैं, टीचर एक मेंटोर है बस। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वुड नॉट बी करेक्ट, कौन सा सही नहीं होगा। अगर बच्चा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड नहीं है तो वो थोड़ा सा टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नाउ हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डेवलपमेंट, प्रॉब्लम्स डेवलप, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो इनमें से टीचर को क्या करना चाहिए जिससे कि वो अच्छे से सीख पाए। तो उसको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो अपना ब्रेन स्ट्रॉन्ग कर सके, खुद ही दिमाग लगाए, विचार उत्पन्न करे और आत्ममंथन करते रहे। अगला सवाल है कि अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग का मतलब क्या है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से ये सवाल है, जिसमें कि ये बोला जा रहा है कि लर्नर्स अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और फैसिलिटी इन्वायरमेंट में हम देते हो ऐसे कि लर्नर अपना खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उसी को हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग। अगला सवाल है कंड्यूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट है लर्निंग इन मिडिल क्लास सेंटर्स अराउंड, मिडिल क्लासेस में किस चीज पे, कॉम्पिटेटिव इकोज नहीं, कंडीशनिंग एंड इन्फोर्समेंट बिल्कुल भी नहीं, फियर ऑफ पनिशमेंट नहीं, तो फिर बचा क्या, कोऑपरेटिव लर्निंग। अगर आंसर नहीं भी आता है तो ये नॉर्मल तरीके से आप आंसर पहुंच सकते हो। अगला सवाल, एक डिसलेक्सिक चाइल्ड है जिसको कि पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम उसको इनकरेज करेंगे ताकि वो स्टडी बाय इनकरेजिंग देम इन मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस, बाय इनकरेजिंग देम टू स्टडी इन मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन, कई सारे डिस्ट्रैक्शन है उसमें अगर उनको हम पढ़ने के लिए बोलेंगे तो धीरे 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 जिसका स्ट्रगल है वो खत्म होगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हम दे नहीं सकते हैं थ्रू सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग वाला आंसर गलत होगा और ग्रेड कर रहे हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला सवाल है एजर्शन रीजन का कि टीचर शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक स्टूडेंट स्टीरियोटाइप अबाउट पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप, सही बात है कि टीचर को काम करना चाहिए। अ की एडुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल स्टूडेंट टू इंगेज इन क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन, बच्चों को इंगेज करने की जरूरत है। तो आराम से अब सोच के देखना कि यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है कि एजर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला सवाल मास्टरी गोल से है, परफॉर्मेंस गोल से है। मास्टरी गोल मतलब किसी भी काम को मास्टर कर लेना, परफॉर्मेंस गोल जहाँ पे कि हम बस प्रदर्शन के लिए, काम ठीक ठाक ढंग से निकल जाए इसके लिए काम कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो जो मास्टरी गोल्स होता है वो फोकस करता है कि फेलियर ना हो, और परफॉर्मेंस गोल फोकस करता है कि अप्रूवल मिले दूसरे लोगों का, तो उसको परफॉर्मेंस गोल कहते हैं। अगला सवाल है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जांपल कौन सा है। देखो अवॉइड बीइंग स्कॉल्डेड, ये बाहर आ गया, मतलब बाहर की तरफ स्कॉल्ड कोई और कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा। पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन, तो ये भी नहीं होगा। प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट, खुद की खुशी के लिए, तो विच दिस इज वॉट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट करें असाइनमेंट ताकि टीचर को इम्प्रेस करें, तो ये भी गलत है। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो इसमें प्रोग्रेसिव क्लासरूम में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, आस्क क्वेश्चन टू टीचर, आस्क क्वेश्चन टू ईच अदर एंड आस्क देमसेल्फ क्वेश्चन, और वो खुद को भी सोचते, खुद से भी वो सोचते रहें,
खुद की भी सारी चीजों को वो क्वेश्चन करते रहे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर बी सी डी। अगला सवाल है कि एक्सेप्शंस एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल आर रिफर टू एज। ये जो एक्सेप्ट जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि इनसे यही काम करने की जरूरत है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं जी जेंडर रोल्स और डैश एंड दीज आर लर्न थ्रू चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। बचपन से ही सिखाया जाता है और धीरे धीरे ये इनकलकेट हो जाता है। अगला सवाल है लॉरेंस कॉलबर्ग से कि लॉरेंस कॉलबर्ग ने जो जो थियोरी दी थी उसको क्रिटिक किया कैरल गिलिगन ने, तो इसमें उन्होंने क्या बताया? तो इसमें उन्होंने बताया कि जेंडर डिफरेंसेस को उन्होंने इग्नोर कर दिया, जिससे कि अब पूरे कॉलबर्ग के सैंपल में सिर्फ मेल ही थे, फीमेल कहीं थी नहीं। तो जब फीमेल थी नहीं तो मोरालिटी को हमारे इमोशंस का बहुत सहारा होता है, बहुत ज्यादा हम गलत सही सोचते हैं, अपने इमोशन से सोचते हैं। तो औरतें जो होती हैं वो अपने इमोशन से सोचती हैं, तो अगर औरतें रहती तो शायद इसका रिजल्ट कुछ और आता, ऐसा कैरल गिलिगन का मानना था। अगला सवाल है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू अबाउट इंटेलिजेंस सपोर्ट द रिस्पेक्टफुल कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स। रिस्पेक्टफुल कंसिडरेशन मतलब विविधताओं का भी सम्मान किया जा रहा है, ऐसा हिसाब किताब है। तो अगर हम टेस्ट करेंगे आईक्यू को सिर्फ इंटेलिजेंस के लिए तो फिर गलत हो जाएगा, इसमें विविधता का तो कोई सम्मान नहीं है। मल्टी डायमेंशंस को अगर हम टेस्ट करेंगे और समझेंगे और जो चेंजेस बदलते हैं तो ये एक सही तरीका होगा। इंटेलिजेंस जेनेटिक से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बिल्कुल होता है। इंटेलिजेंस इज जेनेटिक मोस्टली, और इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होता है, 0.5% ही सही पर इन्फ्लुएंस तो होता है। और सीडीपी का आखिरी सवाल है कि इनमें से कौन सा क्रिटिक है जो जनरल इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। देखो अभी तक जनरल इंटेलिजेंस से कभी सवाल नहीं आया था, पहली बार पूछा है। जिसको लॉजिक लगाना होगा उसको क्लियर हो जाएगा कि लेव वाइगोट्स्की थे नहीं, जीन पियाजे थे नहीं, गार्डनर ने मल्टीपल थ्योरी दी थी, तो बचा कौन? चार्ल्स स्पीयरमैन। इन्होंने जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इसी प्रकार के दो इंटेलिजेंस में डिवाइड किया था। कुल मिलाकर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और ये रहा एनालिसिस। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आप आराम से अपना स्कोर मिलाइए, चीजों को समझिए और गॉड ब्लेस यू ऑल।